YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर की खुशी में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के लोगों को 5 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं और इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सरकार के लिए चुनौती है और जिसके समाधान पर गंभीरता से विचार चल रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी के सामने वाकई में ही एक समस्या खड़ी हुई है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में ये भी बोला गया है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में जनता परेशान है। किस तरह से विश्वास किया जाएगा बीजेपी पर 2019 में? तो यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी के सामने एक चुनौती है और आपको बता दें कि डीजल के बढ़ते दाम पर सरकार के लिए एक चुनौती है। लोगों को 5 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने। फरीदाबाद के लोगों को 5 करोड़ रुपए की सौगात दी है। आज सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है जितना कि 50 साल के अंदर भी किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। उसके लिए भी रेगुलर, क्योंकि जब पीछे पेट्रोल के दाम जब कम हुए थे तो भी हम ही लोगों ने करे थे कि पेट्रोल के दाम, लेकिन ये पूरा वैश्विक मंदी और तेज़ी की बात है कि जब पेट्रोल के दाम घटते बढ़ते हैं तो उन पर किस तरीके का हुआ है, लेकिन उसका भी निवारण करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेगुलर बैठ के चल रही है किस तरीके से जनता को यूज दिया जाए। उसमें स्टेट के लोग भी हैं जिनका अपना टैक्स पेट्रोल पर लगता है क्योंकि GST से अलग है पेट्रोल का काम, उस पर भी सभी स्टेटों से भी बात करके कुछ ना कुछ निर्णय जल्दी आएगा, लोगों को राहत मिलेगी।